माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, जिससे कि उनके बच्चे समाज के अंदर एक ऊंचा दर्जा प्राप्त कर सकें और उनके माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। दोस्तों, माँ बाप तो अपनी कोशिश पूरी तरह से करते हैं, लेकिन कई बार यह पासे उल्टे पड़ जाया करते हैं। इसी से संबंधित आज की यह घटना है। एक माँ बाप ने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए, डॉक्टरी का कोर्स करने के लिए बाहर भेजा और फिर दोस्तों क्या होता है, वह लड़की अपने प्रेमी के साथ शादी करने के लिए उसके ऊपर दबाव बनाने लगती है और फिर प्रेमी उसको बोलेरो कार से कुचलकर मरवा देता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के आगरा के एतमादौला थाना क्षेत्र की। एतमादौला थाना क्षेत्र में विनीता यादव नाम की एक लड़की रहा करती है, जिसकी उम्र 25 साल है। उसका पति भी है जिसका नाम विजय यादव है, जिसकी उम्र 28 साल है। और विजय यादव पीछे से फिरोजाबाद का है। विजय यादव भी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। दोस्तों, जो विनीता यादव है वह प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स की प्रैक्टिस कर रही होती है। अब क्या होता है, एक दिन विनीता यादव घर से निकलती है और उसके पति को कहकर निकलती है कि मैं ड्यूटी पर जा रही हूँ। शाम को वह लौटती नहीं है। उसका पति उसका इंतज़ार कर रहा था। उसके फ़ोन पर फ़ोन किया जाता है, लेकिन विनीता यादव कोई जवाब नहीं देती है। तो उसका पति जो विजय होता है बहुत परेशान हो जाता है और विनीता यादव को इधर उधर ढूंढने लगता है। उसके हॉस्पिटल में ढूंढ कर आता है तो वह लोग कहते हैं कि यहाँ से तो निकल गई है। उसके बाद वह पुलिस थाने में जाता है, रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि मेरी पत्नी विनीता यादव घर से लापता है, वह घर पर वापस नहीं पहुँची है। पुलिस थाने में रिपोर्ट तो दर्ज कर ली जाती है, तभी पुलिस वाले ये कहते हैं कि एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ है, कहीं वह तुम्हारी विनीता तो नहीं है, उसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल में रखी हुई है। तो विजय यादव हॉस्पिटल में जाता है, डेड बॉडी को देखता है तो वह उसकी विनीता यादव ही थी। वह जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगता है। अब दोस्तों, विनीता यादव के शव को डॉक्टर उसके हवाले कर देते हैं और फिर विजय यादव अपनी पत्नी के शव का अंतिम संस्कार कर देता है। उसके बाद दोस्तों 2-3 दिन गुजर जाते हैं। तो 2-3 दिन गुजरने के बाद विनीता यादव के माँ बाप घर से फोन करते हैं विनीता यादव के फोन पर, लेकिन फोन नहीं मिल रहा होता है। तो विनीता यादव के जो पिता होते हैं नवीन चंद, वह बार बार कोशिश कर रहे होते हैं अपनी बेटी से बात करने की, लेकिन उससे बात नहीं होती है। तभी वह हॉस्पिटल आता है और अपनी बेटी के बारे में पूछता है। तो हॉस्पिटल का जो स्टाफ होता है वह कहता है कि तुम्हारी बेटी विनीता यादव का एक्सीडेंट हो गया था और तुम्हारी बेटी के पति ने उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया। दोस्तों, यह सुनकर विनीता यादव का जो पिता होता है नवीन चंद, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और पुलिस थाने में जाता है और कहता है कि साहब, मेरी बेटी की तो शादी ही नहीं हुई थी और यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि उसके पति ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, उसका एक्सीडेंट हुआ था। तो पुलिस वाले भी यही कहते हैं कि उसका पति हमारे पास भी आया था रिपोर्ट दर्ज करवाने और जब उसकी डेड बॉडी मिल गई तो हमने उसको सब सौंप दिया और उसका अंतिम संस्कार उसके पति विजय ने कर दिया। अब दोस्तों, यहाँ पर झोल झाल पुलिस को नज़र आता है, क्योंकि उसी लड़की के पिता को कुछ भी पता नहीं था कि हमारी बेटी का कोई पति भी है। उस पिता ने तो अपनी लड़की को कोर्स करने के लिए भेजा था, अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए भेजा था। अब पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं और पुलिस तुरंत विजय के घर का पता लगाती है और विजय को पकड़ने के लिए उसके घर पर जाती है, लेकिन वहाँ से विजय फरार था। अब पुलिस का शक पूरा यकीन में बदल जाता है। उसके बाद विजय के फ़ोन की कॉल डिटेल्स वगैरह, CDR वगैरह निकाली जाती है। तो पुलिस को पता चलता है कि जिस वक्त विनीता का एक्सीडेंट हुआ था यमुना पास सर्विस रोड के पास, वहीं पर विजय की लोकेशन बोल रही थी उसी टाइम की, और उन दोनों ने बात भी की थी और एक ही जगह पर वो थे। अब पुलिस का शक पूरा यकीन में बदल जाता है। विजय को ढूंढा जाता है तो एक दिन के बाद ही विजय को पकड़ लिया जाता है और उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। तो विजय सारी घटना मुंह से बयां करता है। विजय बताता है कि वह पीछे से फिरोजाबाद का रहने वाला है और वह प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस किया करता है डॉक्टरी की, और उसकी मुलाकात विनीता से होती है, जो कि विनीता भी फिरोजाबाद के नगला गांव की रहने वाली होती है। दोनों एक जगह के रहने वाले होते हैं तो दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं, दोनों एक दूसरे का फ़ोन नंबर ले लेते हैं और दोनों में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। विनीता अपने घर वालों को बताती है कि मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है, लेकिन उसके घर वाले साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें हमने वहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा है, ना कि अय्याशियाँ और मौज मस्ती करने के लिए, ना कि इश्क करने के लिए भेजा है। दोस्तों, यहाँ पर विनीता घर वालों की बात को सुनकर चुप्पी साध जाती है, लेकिन विनीता का मन अजय के बगैर लगता नहीं था।
अब विनीता जिस कमरे में रहती है उस कमरे को छोड़ करके विजय के साथ एक अलग कमरा किराए पर लेती है और वहां पर बताया जाता है कि हम दोनों पति पत्नी हैं और अब वो दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर एक बात ये भी खुलकर आती है, विजय जो था वह शादीशुदा था लेकिन उसने अपनी विनीता प्रेमिका को बताया नहीं था कि मैं शादीशुदा हूं। अब विजय 4-5 दिन अपने घर अपनी पत्नी के घर रहा करता और 3-4 रातें अपनी प्रेमिका विनीता के साथ में काटा करता, लेकिन विनीता को यह पता नहीं था कि विजय शादीशुदा है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं। इसी तरह से मामला चल रहा होता है और अब विनीता विजय से कहती है कि अब तुम मुझसे शादी कर लो, बहुत दिन हो गए हैं। लेकिन दोस्तों विजय अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना चाहता है और ना ही विनीता को यह बताता है कि मैं तो शादीशुदा हूं, और विनीता को ऐसे ही टालता रहता है। कुछ समय और गुजरते हैं, फिर से विनीता उससे कहती है कि मुझसे शादी कर लो, ऐसे ठीक नहीं रहता है, लेकिन विजय अभी भी उसे टाल देता है, उससे शादी नहीं करता है। यानी कि विजय अपनी पत्नी को भी रखना चाहता है और विनीता को से शादी भी नहीं करना चाहता और विनीता के साथ रहना भी चाहता है। अब क्या होता, विनीता देखती है कि विजय तो शादी नहीं करने वाला, तो विनीता की नज़दीकियाँ किसी दूसरे लड़के से बढ़ने लगती हैं, उससे प्रेम प्रसंग वह रचाने लगती है। इस बात की खबर विजय को लग जाती है, विजय बार बार विनीता से कहता है कि तू उस लड़के के साथ मत मिलाकर, लेकिन विनीता कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहकर करूं क्या, तुम तो मुझसे शादी नहीं कर रहे, इस तरह से तो नहीं रहा जाएगा। दोस्तों उसके बाद फिर जो विनीता होती है उसकी नज़दीकियाँ दूसरे लड़के से कुछ ज़्यादा बढ़ने लगती हैं और यह बात विजय को खटकने लगती है। यहाँ पर बात यह होती है कि विजय खुद की शादी हुई पड़ी है, ना ही विनीता से शादी करना चाहता है और ना ही विनीता को किसी दूसरे के साथ घूमने देना चाहता है, यानी कि विनीता को रखेल बनाकर रखना चाहता है। दोस्तों अब यहाँ पर विजय के तन बदन में आग लग जाती है जब उसकी प्रेमिका विनीता किसी दूसरे लड़के के साथ घूमने लगती है। अब वह उसकी मौत की प्लानिंग की तैयारी करता है कि इसने मेरे साथ धोखा किया है, जबकि वह खुद उसके साथ धोखा कर रहा था लेकिन अपने धोखे को अहमियत ज़्यादा दे रहा था। अब वह उसकी मौत की प्लानिंग तैयार करने लगता है। वह अपने एक दोस्त से मिलता है जिसका नाम अंशुल होता है। अंशुल के पास एक बुलेरो कार होती है और उसको सारी प्लानिंग समझा देता है। उसके बाद क्या होता है, यमुना पार सर्विस रोड पर विनीता को मिलने के लिए बुलाता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। तो विनीता उससे मिलने के लिए यमुना पार सर्विस रोड पर पहुंच जाती है। वह रोड बिल्कुल सुनसान था, वहां पर आवाजाही बहुत कम थी। अब जैसे ही विनीता उसके पास आ रही होती है तो जो विजय होता है वह अपने दोस्त अंशुल की बुलेरो कार में बैठा हुआ था और अपने दोस्त से कह देता कि वह आ रही सामने से, इसको उड़ा दे। तो दोस्तों गाड़ी को तेज चलाया जाता है और विनीता के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, उसको कुचल दिया जाता है और वहां से वह फरार हो जाते हैं। विनीता जमीन पर गिर जाती है, तड़प रही होती है, लेकिन उस रोड पर आवाजाही बहुत कम लोगों की थी तो वहां पर बहुत देर तक कोई भी नहीं आता है। तभी एक साइकिल वाला बुजुर्ग वहां से निकल रहा होता है, वह उस लड़की को घायल अवस्था में देखता है तो पुलिस के पास फोन करता है। पुलिस वहां पर आती है, उस लड़की को उठाकर हॉस्पिटल में ले जाती है। हॉस्पिटल जाने तक भी वह जिंदा थी, उसके बाद जब डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, वह मर जाती है। दोस्तों इस तरह से विजय सारी घटना पुलिस के सामने बयां करता है और फिर विजय पति बनकर थाने में पहुंचता है अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने। फिर उसके हवाले विनीता का शव कर दिया जाता है। विनीता के शव को वह अंतिम संस्कार करके अपने घर पहुंच जाता है। दोस्तों यहाँ पर पुलिस सारा मामला समझ जाती है। अगर विजय यह नहीं कहता कि वह मेरी पत्नी है तो शायद इस विषय से पर्दा भी नहीं उठता। अब पुलिस विजय को अरेस्ट कर लेती है, उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया जाता है और विजय का वह दोस्त अंशुल जिसकी बुलेरो थी, पुलिस उसके घर पर भी जाती है लेकिन वह घर से फरार था, पुलिस उसको ढूंढ रही है। विजय को जेल में बंद कर दिया जाता है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक पिता ने अपनी बेटी को कुछ बनने के लिए शहर भेजा था हॉस्पिटल में नर्स का कोर्स करने के लिए, लेकिन बेटी तो कुछ और ही कोर्स कर रही थी, इसीलिए उस बेटी की यहाँ पर जान चली जाती है। तभी कहा जाता है माँ बाप के कहने के अनुसार हमें चलना चाहिए, वो गलत नहीं कहते, बच्चों की भलाई के लिए ही कहते हैं। यहाँ पर उस बेटी ने माँ बाप के खिलाफ कर प्रेम प्रसंग रचाए, अय्यासियां की, मौज मस्ती की और फिर उसकी जान चली गई, क्योंकि यहां पर ऐसा ही होना था। जब बच्चे माँ बाप की नहीं मानते हैं तो वह फिर धोखा खाते हैं, क्योंकि माँ बाप का जो अनुभव होता है बच्चों से बहुत ही गुना ज्यादा बड़ा होता है। लेकिन यहां पर बच्चे समझ जाते हैं कि हम तो आजाद हैं, हम जो भी कुछ करना चाहें वो कर सकते हैं, माँ बाप हमारे ऊपर कोई ज्यादा अहमियत नहीं रखते हैं। तभी यहां पर धोखे मिलते हैं और इसी तरह के हत्याकांड होते हैं। तो माँ बाप का कहना माने, कभी भी ऐसा वैसा काम ना करें, अपने जीवन को बर्बाद होने से बचाएं।
ऊपर वाले का नाम लेते रहें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं, ऐसे वैसे कृत्यों में ना जाएं जो समाज के विरुद्ध हों, शास्त्र के विरुद्ध हों। दोस्तों आपको क्या लगता है यहाँ पर किसकी गलती है? विनीता की गलती थी या फिर उसका जो पति बना था विजय की गलती थी? किसकी यहाँ पर गलती आपको लगती है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। विनीता भी यहाँ पर अच्छी नहीं थी, एक प्रेमी से मन भर गया तो दूसरे प्रेमी के साथ घूमने लगी, और विजय भी यहाँ पर सही नहीं था। जब उसकी शादी हो चुकी थी वह ना उससे शादी करना चाहता था ना किसी दूसरे के साथ घूमने देना चाहता था, यानी कि उसको अपनी रखेल बनाना चाहता था। तो दोनों की ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलती है मेरे हिसाब से। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। दोस्तों ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोज बनाकर लाता हूं जो कि समाज के अंदर सच्ची घटनाएं होती हैं, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और आप भी सीखते रहिए, अपने जीवन में अप्लाई करिए, कभी भी छोटी मोटी गलती ना करिए। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।